बलात्कार के शिकार दो पुत्रियों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे बागबेड़ा निवासी कृष्णा पंडित को अपराधियों ने अपना निशाना बना लिया है। उनके घर को जला दिया है, वहीं बागबेड़ा पुलिस बेबस दिख रही है। बागबेड़ा गांधीनगर निवासी कृष्णा पंडित की 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपराधियों ने 2009 में बलात्कार किया। कृष्णा पंडित के बयान पर केस दर्ज हुआ और दीपू संतोष सहित कुल 4 अपराधी पकड़े गए। अपराधियों ने कृष्णा पंडित से केस हटाने के लिए धमकाया, मगर कृष्णा पंडित ने केस नहीं हटाई। इससे नाराज अपराधियों ने 2010 में पंडित के 4 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार कर दिया। उधर 5 मई को कृष्णा पंडित कोर्ट में गवाही देने गए। यहां अपराधियों ने पुनः केस वापस लेने के लिए तथा हत्या करने की धमकी दी। इसी कड़ी में बुधवार की रात अपराधियों ने गांधीनगर स्थित कृष्णा पंडित की झोपड़ी को जला दिया, लेकिन घटना के समय कृष्णा पंडित किराए के दूसरे घर में सोए थे, इसलिए वे बच गए। फोन लगा उस वक्त तो फिर हमको मालूम नहीं है। मालूम ये है कि हम 5 तारीख को गवाही जब देने के लिए जब गए, लोग आदमी गया है तो उसी समय मुर्जिम क्या बोला है कि नहीं तुमको अंदर से हम तुमको मरवा देंगे और नहीं तुम बाहर निकलेंगे। तो मामला क्या है? कौन लोग किए हैं? हाँ, उन लोग किया, दीपू और संतोष। कितने लोग अंदर है? 4 है। एक पहला वाला फर्स्ट में पकड़ाए, 3 दूसरा में पकड़ाए, 1 मेरा बार बार धमकी देते हैं। बार बार धमकी, जब धमकी देता है जब मेरा हाल ऐसा होता है।